हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चीज़ चिली मैगी की रेसिपी। इस रेसिपी में हम चिली, गार्लिक और बटर का यूज़ करने वाले हैं, जिससे इस मैगी का टेस्ट बहुत अलग आने वाला है। 5 मिनट की ये रेसिपी है, खा के मज़ा आ जाएगा। कुछ इस तरह की रेसिपी है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पर एक पैन में 1/2 टीस्पून जितना तेल लिया है और थोड़ा सा लिया है मैंने बटर, इसे मेल्ट कर लेंगे एक बार। और इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ गार्लिक, फाइनली चॉप्ड है, आप चाहे तो क्रश भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हरी मिर्च ली है, 2 से 3 हरी मिर्च ली है हमने, आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे हम हल्का सा कलर चेंज होने तक और लहसुन का कच्चापन निकलने तक भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पे एक बड़े साइज का प्याज लिया है और इसे भी डाल के सिर्फ हल्का सा सॉफ्ट करना है, इसका कलर चेंज नहीं करना है। फ्लेम को यहाँ पे मैंने मीडियम ही रखा है, इसे भी अच्छे से मिक्स कर लिया है। साथ ही डालते हैं इसमें थोड़ा सा नमक ताकि प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। अब इसमें डालेंगे हम सब्जियां। सब्जियों में मैंने यहाँ पे लिया है शिमला मिर्च और टमाटर, और इसका मैंने बीज निकाल दिया है, आप चाहे तो बीज के साथ भी इसे यूज़ कर सकते हैं, और अपने पसंद की और भी सब्जियों को इसमें ऐड कर सकते हैं। सब्जियों को भी हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्रोजन कॉर्न। चीज़ के साथ कॉर्न का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। बस इन सारी चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है, कोई मसाला इसमें नहीं ऐड करना है। इसके बाद इसमें मैं डाल रही हूँ 2 ग्लास पानी। 2 मैगी के नूडल्स लिए हैं मैंने, तो यहाँ पे 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी जो है वो कम चाहते हैं तो 1.5 ग्लास पानी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें आप डाल देंगे ये टेस्ट मेकर 2 पाउच, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आप चाहे तो इसे ढक के एक उबाल आने तक वेट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट नूडल्स डाल रही हूँ, एक उबाल आने का वेट नहीं कर रही हूँ। बस ये दोनों नूडल्स डाल दिया और अब इसे हम कवर कर देंगे 2 मिनट के लिए, और यहाँ पे मैंने फ्लेम को मीडियम रखा है। 2 मिनट के बाद चेक करते हैं तो पानी में अच्छा सा उबाल भी आ गया है और जो मैगी नूडल्स है वो भी सॉफ्ट हो गए। बस इस तरह से हमें अलग अलग कर लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे फोक का भी यूज़ कर सकते हैं, मैगी को तोड़ के ना डालें, ऐसा डायरेक्ट डालेंगे तो काफ़ी लंबे लंबे नूडल्स रहेंगे जो बहुत ही अच्छे लगते हैं देखने में भी। बस इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। चीज़ मैगी बहुत पसंद है तो आप इस तरीके से ज़रूर बनाइए, उसमें थोड़ा सा बटर डाल के आप बनाइए, साथ में गार्लिक और चिली का जो फ्लेवर आता है ना, बहुत ही लाजवाब लगता है। हम लोग गार्लिक ब्रेड खाते हैं, बस उसी तरह की ये रेसिपी है, वैसा ही टेस्ट देने वाला है। अब यहाँ पे देखते हैं तो पानी अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया, इसे बहुत ड्राई नहीं करना है। यहाँ पे डाल देंगे हम चीज़। यहाँ पे मैं स्लाइस चीज़ यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें मोज़रेला चीज़ यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको खिंचाव चाहिए, पुल चाहिए तो। बस हमें इसे 2 मिनट तक और पकाना है ताकि चीज़ हमारा अच्छे से मेल्ट हो जाए। फ्लेम को अभी भी मैंने मीडियम ही रखा है, बस इस तरह से लगातार चलाते रहना है। तो इसमें प्रोसेस चीज़ और मोज़रेला चीज़ दोनों यूज़ कर सकते हैं, बस हमें इसी तरह से मिक्स करते रहना है, और इसकी थिकनेस इतनी ही रखनी है, बहुत ड्राई नहीं करना है इसे। मैंने इसमें पहले सिर्फ नमक डाला था और कुछ भी नहीं डाला था, क्योंकि टेस्ट मेकर में भी नमक है, साथ में चीज़ में भी थोड़ा सा नमक होता है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे नमक नहीं डालना है और कोई मसाले नहीं डालने हैं। बस ये चीज़ी मैगी हमारा तैयार हो गया है, आप ये देख सकते हैं काफ़ी क्रीमी लग रहा है ये। इसमें मोज़रेला चीज़ डालते तो एक अच्छा सा पुल आता, अच्छा खिंचाव आता, लेकिन मैंने इसमें ये मोज़रेला चीज़ नहीं डाला है। बस मैगी हमारी तैयार है, अब इसे फटाफट से गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। आप इसे गर्मा गर्म ही सर्व करिए, बहुत टेस्टी लगता है। बस ये देखिए क्रीमी और चीज़ी मैगी हमारी तैयार हो गई है। अब इस पर हल्का सा हम चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे, ये टोटली ऑप्शनल है, आपका चॉइस है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो से इसका टेस्ट और एनहेंस हो जाता है, तो ये चीज़ी क्रीमी मैगी तैयार हो गई है, इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।